राजधानी शिमला में पानी का संकट होना आम बात है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को 3 से 4 दिन बाद पानी मिलता है और ऐसे में इस पानी के संकट से बावड़ियों का पानी लोगों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन यदि बावड़ियों का पानी ही दूषित हो जाए तो? ऐसा ही एक मामला राजधानी शिमला के वार्ड BCS से सामने आया है, जहां प्राचीन बावड़ी देखरेख के अभाव में कूड़ादान बनती जा रही है। इसके आसपास फैली गंदगी के कारण बावड़ी का पानी पेयजल गुणवत्ता के लिए निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और क्षेत्रवासी इस पानी का प्रयोग पीने के लिए करते हैं। ऐसे में इस पानी को पीने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। वार्ड पार्षद आशा शर्मा ने कहा कि पानी की समस्या उत्पन्न होने पर वार्ड के लोग इस बावड़ी का प्रयोग करते हैं और इस बावड़ी के आसपास फैली गंदगी की ओर किसी का कोई विशेष ध्यान नहीं है। ऐसे में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि लोगों को बीमारी का खतरा उत्पन्न न हो। ये हमारे वार्ड में एक बावड़ी है, ये यहाँ पे जो बावड़ी है इसका जो पानी है लोग उसको पीने के लिए यूज करते हैं और ये बहुत पुरानी बावड़ी है और जब भी पानी की कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग यहाँ पे काफ़ी जाते हैं जो यहाँ से पानी यूज़ करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि अगर तो ये कहीं इधर मतलब ये एरिया ऐसा होता कि मतलब इसको देखा ना जा सके तब तो मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो रास्ते में पड़ती है बावड़ी और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता है जो हमारे MC के जो यहाँ पे कार्य करते हैं वो इसको क्यों नहीं देखते हैं। जब ये पानी के लिए जो पीने के लिए पानी है इसको यूज़ किया जाता है तो यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मेरा यही आग्रह है कि इसको यहाँ सफाई की जाए ताकि लोगों को कोई बीमारी का खतरा ना बने। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी मेरे वार्ड में लॉपिंग की गई लेकिन वो भी अधूरी की गई, वो जहाँ पे HD की वायर्स थी वहाँ उन्होंने किया है और जो और एरिया है वहाँ पे इस तरह की टहनियाँ हैं जो सड़क को छू रही हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर ये काटनी थी तो प्रॉपर इसको काटा जाता ताकि ये कोई आने वाले समय में ये कोई ख़तरा ना बने, क्योंकि लोग पैदल चल रहे होते हैं। एक दिन भी एक बुज़ुर्ग जा रहे थे तो उनकी आंख में एक टहनी लगी थी, उनकी आंख जो है वो फटते फटते बच गई। और दूसरी ओर है जो काटा भी गया है वो भी हर कहीं, कोई नालों में फेंका गया है, कोई साइड में फेंका गया है, तो ये नाले भी बंद पड़े इस वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है तो इसमें ये सफाई की जाए ताकि वो नाले बंद ना हो और कोई हादसा ना हो। और दूसरी बात है, ड्रेनेज जो हमारी ड्रेन्स हैं वो साफ़ तो की जाती है, सफाई के बावजूद वो जो मिट्टी होती है वो सड़क के किनारे उसको फेंका जाता है ताकि वो फिर वो कई कई दिनों तक ढेर पड़े रहते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है साफ़ करने का और वो मिट्टी फिर धीरे धीरे सड़कों में फैलती है जिससे वो गंदगी मतलब फैलती है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस टाइम आप ड्रेन साफ़ करवाते हैं MC वाले तो वो उसे साथ ही साथ गाड़ी लाएं और उसे उठा के ले जाएं ताकि वो ढेर मतलब कोई गंदगी का वो ना पड़ा रहे वहाँ पे।